आज की दुनिया में जहाँ कोई भी काम या कोई भी चीज जहाँ फ्री में नहीं मिल रहा है, वहीं पिछले 70 सालों से एक शिक्षक हैं जो बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। उनका नाम है नंद किशोर पुरुष्टि। उन्हें भारत सरकार इस साल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। नंद किशोर पुरुष्टि जी उड़ीसा के जाजपुर जिले की कांतिरा गाँव की रहने वाले हैं। वो इस साल 102 साल के होने वाले हैं, पर उनका ये बढ़ता उम्र उन्हें बच्चों को पढ़ाने से रोक नहीं पाया है। ना उनकी पैर पर कोई चप्पल है, ना आंख पर चश्मा, ना कोई आलीशान जिंदगी, फिर भी लोगों को पढ़ाने की जुनून उनके दिमाग पे सवार है। उनका बचपन गरीबी में बीता है, इसलिए वो सातवीं कक्षा से ज्यादा पढ़ नहीं पाए, पर यह बात उनके दिल में एक छाप छोड़ गई। इसलिए वो शहर जाकर नौकरी करके पैसा कमाने की बजाय गांव में रहकर लोगों को फ्री में एजुकेशन देने लगे। वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बुजुर्ग जो आज भी पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें भी पढ़ाते हैं। उनका ये शिक्षा प्रति प्रेम देखकर इस साल भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। जब उन्हें ये बात पता चला तो वो विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उन्हें दिल्ली से कोई अवार्ड मिलेगा। उनका ये कहना था कि जब तक उनका बड़ी उन्हें एजुकेशन देने की परमिट कर रहा है, तब तक वो बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। सैल्यूट है नंद किशोर पुरुष्टि जी को और उनकी डेडिकेशन को, जो आज भी 102 साल के होने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाने की जुनून रखते हैं।